चैप्टर नाइन द हैप्पी फैमिली यानी एक सुखी परिवार के बारे में ये स्टोरी है ओके सॉल्फ इंट्रोडक्शन टू ऑल स्नेल्स लाइफ इन अबर्ड डोक फॉरेस्ट दो स्नेल्स जो है ओल्ड स्नेल्स यानी बूढ़े स्नेल्स जो है एक बर्ड डोक फॉरेस्ट में रहा करते थे दे हैड नो चाइल्ड सो दे एडॉप्ट स्नैल उनके पास क्या उनका कोई भी चाइल्ड नहीं था तो उन्होंने एक अडॉप्ट किया एक स्नेल को एक लिटिल स्नेल को आफ्टर सम टाइम्स दे डिसाइडेड टू मैरिज देयर सन फिर क्या होता है फिर कुछ टाइम के बाद वे डिसाइड करते हैं कि वे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं वे डिसाइड करते हैं लेट्स रीड द रीड हाउ दे सर्च अ ब्राइड फॉर सन तो इस स्टोरी में हम यह रीड करेंगे या जानेंगे कि वे अपने बेटे के दुल्हन को कैसे सर्च करते हैं ओके okay? तो हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं द बिगेस्ट लिव इन द कंट्री इज सचली द जोक लिवस या जो सबसे बड़ा जो पत्ता है वो देश का सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है ब जोक लिव पुच वन इन फ्रंट ऑफ योर वेस्ट एंड इट्स जस्ट लाइक अर्न एप्रोन ए अगर आप इसे क्या अपने वेस्ट पे रखोगे यानी कमर पे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा एप्रन की तरह ये लगेगा ये इतना बड़ा पत्ता होता है एंड इफ यू ले इट अपॉन योर हेड इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज एन अम्ब्रेला अगर इस लीफ को अपने सर के ऊपर अगर रखें तो ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह अच्छा रहेगा बट हैव एनोदर यूज स्नैल फीड ऑन डैम जो बड्स के जो लोग स्नैल्स फीड ऑन डैम और जो स्नैक्स थे वो इनका यूज किस चीज़ में करते थे वो अपने भोजन को अपने खाने में इसका इस्तेमाल किया करते थे नाव देर वॉज एंड ऑल स्टेट व बड कोट बड ग्रेव एंड देर वॉज नो स्टॉपिंग डैम अब यहाँ पर एक पुरानी विरासत थी कि जहाँ पर ये बडोक्स के जो लीफ थे वो बढ़ते थे तो उन्हें कोई भी नहीं रोक रहा था हेयर एंड देयर स्टूड एन एप्पल और अपन थ्री बट फोर दिस अ गार्डन हैड बीन देयर एवरीवेयर वेयर वेयर बडोक्स एंड एमोंग देम लाइव्ड ट्रू एनेस वाइट स्नेल्स और यहाँ वहाँ पर एक सेब का और एक बेर का पेड़ जो वहाँ पे खड़ा था बट लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उस गार्डन में एक ऐसे भी जगह होगी यानी वो बर्डोक्स के जो पत्ते थे उसमें यानी प्राचीन के दो वाइट सेल्स स्नेल्स रहते थे दे डिड नॉट नो देस हाउ ओल्ड दे वेयर बट दे कुड वेरी वेल रिमेंबर दैट देयर हैड बीन अ ग्रेट मैनी मोर ऑफ देम दैट दे हैड डिसेंट फ्रॉम अ लार्ज फैमिली वे जो स्नैल्स थे वे खुद भी नहीं जानते थे कि वे कितने ईयर्स से वे यहाँ पे थे लेकिन वे अच्छी तरह से याद कर सकते थे कि उनमें से कोई भी और भी थे जो उनके एक बड़े फैमिली से ताल्लुक रखते थे दे लेड अ वेरी रिटायर्ड एंड हैप्पी लाइफ एंड एज दे हैड नो चिल्ड्रेन दे हैड अ लिटिल कॉमन स्नैल विच दे ब्राउड अप एज देयर वन चाइल्ड और वे जो स्नेल्स थे वे काफ़ी हैप्पीली अपना लाइफ को काफी अच्छे से वे उस चीज को जी रहे थे लेकिन उनकी कोई भी जो चाइल्ड थे वो नहीं थे उन्होंने क्या किया था एक छोटे से आ, स्नेल को अडॉप्ट किया था जिससे उन्होंने अपने बच्चे की तरह बिल्कुल पाला था बट दिल्ली थिंग नॉट ग्रो फॉर ही वॉज ओनली कॉमन स्नेल मदर द क्लियर डैथ ही वॉज गे थिंक ट्यो लार्ज फॉर ही सेल उसकी जो मम्मी है स्नैल यानी छोटे वाले स्नैल की मम्मी वो सोचती कि वो धीरे धीरे कि काफ़ी बड़ा हो गया अभी इसके लिए एक बड़ी सी जगह चाहिए एंड वेन द फादर नोटिस हाउ अ स्मॉल देयर चाइल्ड वॉज और तभी उसके जो पापा होते हैं फादर uh, स्नैल वो नोटिस करते कि उसका जो उस एडाप्ट चाइल्ड है वो क्या वो तो काफ़ी छोटा है सी टोल्ड हिम टू फील द लिटल स्नैल्स So and the, he felt it and said that she was right. One day it rained very hard. One day it rains very hard. Listen how it's drumming on the badok leaves. Rum, dum, dum, rum, dum. डम सेट द फर स्नैल फादर स्नैल जो है वो कहते हैं कि देखो कितनी तेज बारिश हो रही इस वजह से यहाँ पे क्या ड्रमिंग यानी ढोल बज रहे हैं वो भी बदूक के लिफ्स पर यानी जो बारिश के जो बूंदी थी वो रम डम डम हो रहे थे तो वो उनके लिए क्या था वो स्नैल के लिए वो ड्रमिंग हो रहे थे दैट्स वॉट्स आई कॉल ड्रॉप्स इसको कहते हैं जो हम लोग ड्रॉप्स कहते हैं सेट द मदर तो मदर ऐसा कहती है इट्स कमिंग स्ट्रे डाउन दिस का स्टेल्फ यू विल see how it, the garden will be directly i am glad that we have good uh, houses and the little one has his one there has been more than for us than for any other creature one can see very plainly that we are the grand folks of the world we have houses from the birth and the Birdrook forest has ground for us. I should like to know how far it excited and what a life lies beyond it. There is nothing sad the the snail that can be better than here, at home. I have nothing at all to wish for. You must watch the little moon. He has he not been creeping up this tall, dear? There's three days my head quite act when I look at him. When don't scold him, said the mother snail. He daily briefly We shall have much joy in him, and we all people have nothing else to live for. But have you ever thought where we shall get a wife for him? <laughs> कि हमारे पास तो इतने घर है कि हम रह सकते हैं लेकिन जब हमारे जो बेबी का जब शादी होगा तो वो लोग कहाँ पे रहेंगे डोंट यू थिंक दैट फादर इन दी वुड देर मे बी सम मोर ऑफ आवर काइंड तो फिर उसके जो पापा होते हैं स्नैल फादर वो कहते हैं कि ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है देयर मे बी ब्लैक स्नैल देयर आई थिंक सैड द फादर स्नैल बिना घरों के जो ब्लैक स्नैल हैं वो रहते हैं लेकिन वो काफ़ी A yani said the father snail. Black snails without houses, but they are too vulgar and they are connected at that we can give that commission to ants to they run and to free. As if they had business they are sure to know of a wife of our young चल तो मैन तो फिर वो अब आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम कमीशन देकर एंड्स को कहते हैं वो जाकर के काफ़ी जगह पे अलग अलग जगह पर वो जाकर ऐसे वो उनका काम है ये बिजनेस करना कि वो हमारे लिए हमारे यंग जेंटलमैन के लिए एक खूबसूरत सी वाइफ को ले आ सके आई से ची नो द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइट सेज वन ऑफ द एंड्स Uh, तो उसमें से चिटियों ने कहा कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि सबसे सुंदर दुल्हनों को मैं जानता हूँ ऐसा जो है चिटियाँ कहती हैं चिटियों में से कोई एक कहते हैं लेकिन बट आई वुड नॉट डू फोर सी इज़ द क्वीन लेकिन मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह रानी है दैट डज़ नॉट मैटर सेट द टू ऑल स्नैल हैज़ बट इससे क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि वो जो दो बूढ़ी घूंग उनके पास एक घर है She has a castle, replied the ant. Ant ने कहा कि उसके पास में एक महल है यानी एक किला है द मोस्ट ब्यूटिफुल एंडल विथ सेवन हंड्रेड पैसे उनमें से एक चीटी ने आंसर दिया कि सबसे सुंदर चीटियों का महल जो है वो सेवन हंड्रेड यानि उनके पैसेज के फिक थैंक यू सर द स्नैल अवर बॉय एल नॉट तो गो इन टू एन एंड हिल उसके बाद फिर क्या होता है जो मदर स्नल है वो चीटियों को थैंक यू कहती है बट uh, फिर वो कहती है लेकिन हमारा जो बेटा है वो चीटियों के उस uh, इलाके में नहीं जाएगा उस पहाड़ी से इलाके में नहीं जाएगा इफ़ यू नॉन ऑफ नथिंग बेटर वी वी विल गिव दमीशन टू दी वाइट ग्रांड जी ants. they fly far about in rain and sunshine and they एंड the न्यू दूध inside and outside <laughs> फिर मदर स्नैल जो है वो चिटियों से कहती हैं कि अगर इससे बेहतर नहीं हो सकता है तो हम ये जो कमीशन है वो वो वाइट जेंट्स को दे देंगे क्योंकि वो जो है वो काफ़ी दूर जाता है चाहे वो रेनी सीजन हो या फिर किसी भी सीज़न में वो काफ़ी दूर तक चला जाता है तो उसे ज़रूर पता होगा कि वी हैव अ वाइफ फॉर हेम सेट देंट्स उसके बाद जेंट्स जो है वो कहते हैं कि आ, उसके लिए एक वाइफ है अ हंड्रेड मैन स्टेप्स फ्राम हेयर एंड लिटल स्नैल विथ अ हाउस इज सी ऑन असबेरी बर्स सीज क्वेट अलोन एंड ऑल द इनफ टू मैरी इट्स ओनली अ हंड्रेड मैन स्टेप्स फ्राम हेयर जेंट्स जो है वो स्नैल से कहते हैं कि Uh, यहाँ से सौ कदमों की दूरी पर एक घर के साथ में एक छोटा सा स्नैल का एक आंवले की जो बसे से यानी झाड़ियों पर बैठा हुआ है वह काफ़ी अकेली है और शादी करने के लिए काफ़ी वो वो शादी तो करना वो शादी तो करने चाहती है लेकिन वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। हैज़ ओनली अ बस या yeah, वहाँ से केवल 200 सौ आदमी के कदम के उतनी दूरी है और हाँ उसे उसके पास आने के लिए दो बूढ़े लोगों ने कहा है सो द दबाउट द लिटिल डेज पास बिफोर सी अराइव्ड बट दैट वॉज द रेस सर्कम स्टैंड बाई विच वन कुड सी दैट सी वॉज ऑफ द राइट काइंड उसके पास केवल एक बसेस है यानी एक झाड़ी है तो वो छोटी जो स्नेल है वो जो लड़की वो ले आए और उसके आने से ठीक पहले आठ दिन जो है यानी एट डेज जो है वो बीत गए लेकिन एंड देन दे हैड द वेडिंग सिक्स क्लोज बॉम्स लाइटेड एज वेल एज द एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्वाइटली फॉर द ऑल स्नेल्स कुड नॉट बी फास्टिंग एंड नॉइस और फिर जो स्नैल्स होते हैं मदर स्नैल और फादर स्नैल जो अपने बेटे की शादी उस स्नैल से करवा देते हैं उन्होंने फिर क्या शादी कर ली और सिक्स ग्लोबॉम जितनी अच्छी तरह से एक लाइट यानी को कर सकते थे लाइट को अरेंज कर सकते थे इस तरह से वे क्या बहुत साइलेंटली उस चीज़ को कर लिए और काफ़ी जो ओल्ड वाले जो स्नैल्स होते थे वो उस वे उस पार्टी को सहन नहीं कर सकते थे And then they had the waiting. Uh, sorry, the father snail could not make a speech. He was so much moved, but he gave the young people the but oak forest for an inheritance. He said, words he and the mother snail had always said that it was the best place in the world. Father snail, was भाषण यानी वो स्पीच को नहीं दे सकता था वह इतना ज़्यादा शेक कर चुका था लेकिन उसने फिर भी यंग लोगों को पूरा जो बाटोक फॉरेस्ट में जो पिचेस था उन्होंने उस चीज़ को भाग लिया और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उनको जो स्नेल की जो माँ है वो हमेशा से फिर कहा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है बर्टो फॉरेस्ट एंड वन दिन वॉज ओवर दी ऑल पीपल क्रैफ्ट इन टू देयर हाउसेज एंड नेवर केम आउट्स अगेन फोर दे स्लैप्ड और फिर क्या होता है जब शादी जो है वो कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद जो ओल्ड वाले स्नैल्स होते हैं वो क्या अपने घरों के अंदर चले जाते हैं फिर वो दोबारा बाहर नहीं आते क्योंकि वो सो जाते हैं दंग स्नैल पेयर नाउ रूल्ड इन द फॉरेस्ट एंड हैड अ लार्ज फैमिली जो न्यू वाला जो यंग स्नैल था जिसकी शादी हो चुकी थी अब उसका जो रूल था वो लीड करने लगा था उस फॉरेस्ट को mm -hmm. और वह उसकी वहाँ पे उसकी लार्ज फैमिली भी बन चुकी थी द रैन फेल डाउन टू प्ले द ड्रम फॉर देम द टू कलर दन साग फॉरेस्ट फॉर देम एंड देर हैप्पी वेरी हैप्पी दे व फैमिली वॉज अनकॉमनली हैप्पी और फिर जो बडोक के पत्तों पर उनके लिए ढोल बजाने के लिए बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगी और कलर्स में जो सन की जो किरणें थी वो काफ़ी चमक रही थी और जो कि सभी कुछ अच्छे से हो चुका था तो सभी लोग काफ़ी खुश थे तो स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाता है ओके okay?